हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, हम जो है आपका चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स पढ़ेंगे। बहुत ही इजी से एक्सरसाइज है, इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे। और कंसेप्ट को समझने से पहले स्टूडेंट हम क्लास एट के ही कुछ टॉपिक के रिवीजन करेंगे और जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। स्टूडेंट, आप इन आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से जानते होंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से आपको ये आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से पता होगी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इनको हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। स्टूडेंट, हमने जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी ज़रूर पढ़े होंगे। हमने इस तरह के टर्म्स 2x या 3x प्लस 4 और माइनस एक्स प्लस 2, इस तरह के भी एक्सप्रेशन पढ़े होंगे। इनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे मैं 2x को स्पेशली लेके चलता हूँ। इसमें जो x होता है ये वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, 2 इसमें कांस्टेंट है। इसी तरह से जो है 3x प्लस 4 में वेरिएबल क्या है, x, कांस्टेंट क्या है 3, अतः यहाँ 4 भी कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़े हैं, इनमें क्योंकि एक ही वेरिएबल x है, इनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए स्टूडेंट, किसी वेरिएबल के साथ अगर हमें कांस्टेंट मालूम ना हो हमारे पास कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो तब हम कांस्टेंट को जो है किसी नंबर से a या b से रिप्रेजेंट करते हैं। a कोई भी यहाँ पे अननोन नंबर्स है, पर a है कांस्टेंट। इसको और थोड़ी सी डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मुझे इस रेक्टेंगल की जो है सारी साइड्स 3 सेंटीमीटर्स हैं, और मुझे जो है तो ये रेक्टेंगल नहीं है, इस ये जो है रेक्टेंगल की सारी साइड 3 नहीं ले रखी मैंने, ये एक्चुअली स्क्वायर है, एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की जो है सारी साइड जो है 3 सेंटीमीटर्स हैं। मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। स्टूडेंट, मुझे पेरीमीटर निकालने का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो होता है 4 × साइड। आप जितनी भी साइड जो भी साइड्स हैं उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टूडेंट जो है इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 3 12 हो जाएगा। तो अगर सपोज मेरे पास कोई ऐसा रेक्टेंगल्स है जिसकी मुझे साइड मालूम ही ना हो, उसकी साइड क्या है, तो उस केस मुझे इसकी कोई भी साइड मालूम नहीं है, तो मैं इसकी साइड को किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूँगा। जैसे मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया है इसकी साइड्स को, तो इसका जो पेरीमीटर्स होगा, इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर्स होगा जिसकी मुझे साइड मालूम नहीं है, पर मुझे पता है कि मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो स्टूडेंट मुझे पता है मैं इसको कांस्टेंट 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि साइड अननोन है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेरिएबल x से। तो यहाँ पर देखिए 4 कांस्टेंट है जो फिक्स है, वेरिएबल यहाँ पे जो है साइड है, और साइड जो क्योंकि वेरिएबल है हर एक स्क्वायर की जो है साइड जो है अलग हो सकती हैं, तो उसको जो है वेरिएबल x से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जैसे ही अगले भी एक्सप्रेशन आपको 2x 3x प्लस 4 इस तरह से मैंने लिखाए हैं, इसी तरह से मैं जो है इनमें आप एक चीज़ देखिए कि वेरिएबल x है, और अगर मैं आपको अब कुछ और जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा रहा हूँ, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने ये लिखा है, दूसरा मैं लिखा रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, ये भी वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम जो है मुझे ये एक्सप्रेशन दे दिया है और मुझे जो है इसके टर्म के बारे में जानना है कि इसके अंदर कितने टर्म हैं। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं, एक टर्म 2x स्क्वायर है, एक टर्म 3x है, एक टर्म 1 है, एक टर्म जो है इसमें प्लस 1 है, तो 3 टर्म इसके अंदर हैं। तो स्टूडेंट, जो मैंने पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था उसमें केवल 2x लिखा था, उसमें केवल एक ही टर्म थी, तो जिसमें जो है एक ही टर्म होते हैं उसको मोनोपॉलीनोमियल बोलते हैं। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म होती है उसको मोनोपॉलीनोमियल बोलते हैं। जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है उसमें 3x प्लस 4 दो टर्म्स हैं, एक 3x है और एक 4 है,
इसको हम बोलेंगे बाय पॉलीनोमियल। और जो मैंने अभी लिखे हैं 2x² + 3x + 1, इसको तीन टर्म्स हैं तो ये ट्राई पॉलीनोमियल। अब स्टूडेंट ये सारे के सारे पॉलीनोमियल्स हैं, ठीक है। अब मैं आपके एक नंबर लेता हूँ 2। अब मुझे ये बताना है कि ये 2 जो है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे 2 को आप लिख सकते हैं 2 × 1, और 2 × 1, 1 जो है एक्स की पावर 0 को आप क्या कर सकते हैं, 1, एक्स की पावर 0 को जो है आप 1 से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 भी पॉलीनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल की पावर इसमें 0 है। तो 2, 3, 4, 7 इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल, इनके नाम दिए जाते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल। स्टूडेंट एक चीज़ और बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी पॉलीनोमियल होने के लिए जो पहली कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशंस है, जो कंडीशन है उसको आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर। स्टूडेंट जो वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल 2x² + 3x + 1 है, इसमें वेरिएबल x है, उसकी जो पावर होनी चाहिए, पहले वाले टर्म की भी पावर 2 है जो होल नंबर्स में आते हैं, नेचुरल नंबर 2 है जो होल नंबर 0, 1, 2, 3, 5, इनको हम जो है होल नंबर बोलते हैं। 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो नेचुरल नंबर जो है होल नंबर हो जाता है। तो ये जो है स्टूडेंट 2x² + 3x + 1, इसमें वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर में है तो ये पॉलीनोमियल्स है। ये x² + 5x + 3, इसमें x की जो पावर्स है होल नंबर्स में है तो ये भी पॉलीनोमियल है। स्टूडेंट पॉलीनोमियल क्या नहीं है, अगर मुझे जो है √x + 2 दिया हुआ है, इसमें जो है x की पावर 1/2 + 2, यहाँ पर लिखेंगे कि ये वेरिएबल है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट इन होल नंबर, तो इट इज़ नॉट ए पॉलीनोमियल नंबर, तो इट इज़ नॉट पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। स्टूडेंट ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आपको चेक करने के लिए आ सकता है कि आप बताइए कि वेदर इट इज़ पॉलीनोमियल या नहीं है, तो उसमें आपको x की जो है वेरिएबल की जो है पावर देखनी है। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कांस्टेंट पॉलीनोमियल के बारे में बता दिया, 2, 3, 4, 5, 7 ये जो होते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल होते हैं, और एक पॉलीनोमियल होता है ज़ीरो पॉलीनोमियल। स्टूडेंट जो कांस्टेंट ज़ीरो होता है, इस ज़ीरो का नाम, इसको हम कांस्टेंट पॉलीनोमियल नहीं बोलते हैं, इसको हम ज़ीरो पॉलीनोमियल बोलते हैं। ज़ीरो के अलावा जितने भी टर्म्स होते हैं 1, 2, 3, 4, अगर उनके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं आता, जैसे 2 के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है, तो हम इसको नाम देंगे कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम ये सबसे पहले तो हमें ये आ गया है कि वेरिएबल की पावर जो है क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तो वो जो है पॉलीनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। जो नंबर पॉलीनोमियल नहीं है वो मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करी है। अब मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूँ डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल। आपको जो है पॉलीनोमियल दिया होगा पर आपको उसमें बताना है कि डिग्री क्या है। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, 2x + 3 मैंने एक लिखा है, और दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है x² + 3x + 1, तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा है x³ + x + 2। देखिए स्टूडेंट जो पहला एग्जांपल है इसमें x की पावर 1 है, वेरिएबल x है उसकी पावर 1 है, तो जो x की पावर होती है स्टूडेंट वो उसकी डिग्री होती है। लेकिन उस देखिए इसमें वेरिएबल केवल x
है और उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। यहाँ पर एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 1 है, और 1 के साथ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी पावर जो है 0 है। लेकिन जो है आपको वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। स्टूडेंट ये जो है इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी, और इसमें जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी जो है हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी। तो आपको स्टूडेंट ये क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3, एक एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 5x स्क्वायर प्लस 3x 4 प्लस 5, और एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ एक्स क्यू प्लस 2। देखिए स्टूडेंट, इसमें x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री जो है 2 है, इसकी डिग्री जो है स्टूडेंट x की पावर हाई वेरिएबल x है, एक वेरिएबल में x की पावर 2 है, एक में 4 है, तो जो सबसे बड़ी पावर है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री जो है 4 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 3 होगी, इसकी डिग्री आपके पास होगी क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल x है, उसकी पावर 3 है। ठीक है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो है डिग्री किसी पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 होने पर उसको हम नाम देते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल, ये ध्यान रखिए। अगर डिग्री 1 है तो उसका नाम होगा लीनियर पॉलीनोमियल, अगर डिग्री 2 होगी तो उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और अगर जो है डिग्री जो है 3 होगी तो उसका नाम होगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। ये आपको ध्यान रखना है कि डिग्री के अकॉर्डिंग हम जो हैं पॉलीनोमियल को उसके टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने 2x प्लस 3 लिखा है, इसकी डिग्री ये 1 है तो इसका नाम होगा लीनियर पॉलीनोमियल। ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें वेरिएबल x की हाफ पावर 2 है जो इसकी डिग्री होगी, क्योंकि डिग्री इसकी 2 है तो इसका इसको हम नेमिंग करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और यहाँ पे जो है x की पावर मैंने 3 ली हुई है तो इसमें डिग्री 3 है तो इसका नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, मैंने डिग्री आपको वेरिएबल की बताई है, अब मैं जो है डिग्री आपको बताना चाहता हूँ कि डिग्री जो है, अगर मेरे पास जो है एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, अगर मेरे पास जो है मैं, क्योंकि मैं 2, 3 और 4 इनको भी जो है पॉलीनोमियल का नाम पॉलीनोमियल बोल रहा हूँ, इनका नाम मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। अब इनकी क्या डिग्री होगी, 2 मैंने जैसे कहा था कि 2 को आप 2 × 1 लिख सकते हैं, और किसी भी वेरिएबल की जो पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल की चाहे वो 2 है या 3 है या 4 कुछ भी है, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ठीक है ये पॉलीनोमियल लिखा मैंने, इज़ ज़ीरो, कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री 0 होती है। ठीक है, अब मैंने एक आपको एक पॉलीनोमियल डिफाइन किया था स्टूडेंट, ज़ीरो पॉलीनोमियल, हम ज़ीरो पॉलीनोमियल किसको बोलते हैं, ज़ीरो पॉलीनोमियल मैंने बताया था, ज़ीरो जो है हम जब सिर्फ ज़ीरो कांस्टेंट जो है 0 होता है तो उसका नाम ज़ीरो पॉलीनोमियल होता है। ये 2, 3, 4, 5, ये जो 2, 3, 4, 5, 7 जो भी नंबर्स हैं ये सब कांस्टेंट पॉलीनोमियल हैं, इनके साथ जो है कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो उसकी पावर 0 है, एक्स पावर 0 है, तो इनका नाम तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल नाम दिया गया है। इनकी डिग्री जो है सबकी 0 होगी, लेकिन मैंने साथ में ये कहा था कि अगर नंबर 0 हो जाएगा तो 0 होने पर इसका नाम होगा ज़ीरो पॉलीनोमियल,
और जीरो पॉलीनोमियल की जो को हम जो हैं हो सकता है वो जीरो की जीरो इंटू एक्स हो सकता है वो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर हो सकता है वो जीरो इंटू एक्स क्यू हो, कुछ भी हो सकता है। तो जीरो जीरो जो पॉलीनोमियल्स होता है उसकी डिग्री ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलीनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार मैं स्टार्टिंग में से आपको कुछ एक कंसेप्ट और बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने जो है एक पॉलीनोमियल लिखा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखा था 2x² + 3x + 1। स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि इसके तीन टर्म्स हैं, 2x² 3x, दूसरा टर्म 3x है और थर्ड टर्म इसकी कॉन्स्टेंट टर्म है 1 है। तो इसमें जो है कभी ये आ जाता है कि आप इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर जिस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट जो है इसमें एक्स स्क्वायर किस से मल्टीप्लाई है, 2 से, तो इसका जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा, कोफिशियंट बोथ को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, कोफिशियंट ऑफ एक्स पूछा जाएगा तो कोफिशियंट ऑफ एक्स जो है 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें अगर मेरे से पूछा जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर किस से मल्टीप्लाई है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ के कुछ नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोफिशियंट ऑफ एक्स पूछेगा तो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स किस से मल्टीप्लाई है, 5 से, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वेरिएबल के साथ उसका कोफिशियंट भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में स्टूडेंट मैंने आपको जो है इसमें लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं जो अभी तक मैंने इसको आपको जो एग्जांपल दिए सारे वेरिएबल इन वन वेरिएबल के एग्जांपल दिए गए हैं। कोई एक ऐसा एग्जांपल मैं लिखना चाह रहा हूँ जो कि 2 वेरिएबल्स हो, जैसे ये आइडेंटिटीज हैं आपकी x + y² = x² + ये जो है अगर इस तरह से लिखा है तो ये भी पॉलीनोमियल है लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। अब स्टूडेंट मैंने जो भी कंसेप्ट आपको बताए हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं आपसे वर्बली डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, एंड अगर नहीं है तो वेदर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखिए स्टूडेंट ये जो है मैंने बताया था कि पॉलीनोमियल है नहीं है उसमें वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। इसमें एक्स स्क्वायर एक्स पावर 2 है एक्स पावर 1 है, इसमें सारी जो एक्स पावर जो है होल नंबर्स में है, मीन्स होल नंबर मैंने जैसे आपको बताया था 0, 1, 2, 3 पावर कुछ भी होना चाहिए। यस इट इज़ ए पॉलीनोमियल सिंस द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर। इसमें देखिए y² + √2 लिखा है, हमें वेरिएबल की पावर चाहिए, वेरिएबल की पावर 2 सही है, हमें √2 कॉन्स्टेंट है, इसकी पावर कुछ भी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा ये भी यस पॉलीनोमियल होगा। ठीक है थर्ड पार्ट है 3√2, जब किसी भी पावर पे जो है किसी भी वेरिएबल पे जो है स्क्वायर रूट लग जाता है, तो मैं इसको थोड़ी सी इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, 3√2 t √3। तो इसमें जो है आप जो है किस तरह से जो है इसको चेक करोगे कि पॉलीनोमियल है या नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो देखिए 3√t + t√2, देखिए 3√t का मतलब होता है t की पावर हाफ और ये t × √2। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है t, यहाँ सारी पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे power of t not in whole number, ये होल नंबर में नहीं है तो it is not a polynomial, ये polynomial नहीं है। ठीक है इसके बाद जो है स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड है ये y + 2/y है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट y + 1/y है। देखिए ये y 1/y का मतलब होता है y की पावर -1, इसमें भी नो ये भी नहीं है, रीजन सेम यही देना,
कि पावर वेरिएबल इज नॉट इन होल नंबर, क्योंकि इसकी जो पावर है ये नेगेटिव है, इट इज़ नॉट ए पॉलीनोमियल। उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है फिफ्थ पार्ट देखिए, ये एक्स पावर 10, वाई की पावर 3, टी की पावर 50। स्टूडेंट ये वेरिएबल तो है क्योंकि इसमें सबकी पावर जो है होल नंबर में है, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है। इसमें एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, इट इज़ नॉट वन वेरिएबल। ये एक वन वेरिएबल, इसने दोनों चीज़ चेक करने के लिए कहा है कि वो वन वेरिएबल है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, ये वन वेरिएबल नहीं है। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करना चाहता हूँ। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यानी एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है। सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई है तो इसका कोएफिशिएंट -1 हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2 हो जाएगा, और जो फोर्थ पार्ट है उसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, उसमें एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो उसमें ये माना जाएगा कि उसका कोएफिशिएंट 0 है। तो आपको सिर्फ जो है कोएफिशिएंट लिख देना है, कोएफिशिएंट मीन्स वो किससे मल्टीप्लाई है, सिर्फ वाले टर्म्स लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आए, गिव वन एग्जांपल ऑफ इज बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जिसकी जो बायनोमियल हो उसकी डिग्री, आप एक्स पावर 35 लिख दीजिए, बाय का मतलब उसमें दूसरी टर्म कुछ भी लिख दीजिए, ये लिख दिया मैंने, ये आंसर दे दिया, एक्स पावर 35 प्लस 2। जो इसका सेकेंड इसमें एक मोनोमियल भी पूछा है, ये तो हो गया बायनोमियल। और जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसमें जो है डिग्री एक्स की पावर डिग्री जो 100 होनी चाहिए, पर वो मोनोमियल, बस इसको लेके छोड़ दीजिए, या इसको या कोई इसको आंसर 2 × x^100 में छोड़ दीजिए, या तो ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, ये भी आंसर है, ये किसका आंसर है, मोनोमियल। तो ये मोनोमियल के आंसर्स हो गए, वो बायनोमियल का आंसर हो गया मोनोमियल। तो बायनोमियल में दो टर्म्स होनी, मोनोमियल में एक टर्म होनी चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राइट द डिग्री ऑफ इज ऑफ द पॉलीनोमियल। मैंने डिग्री बताया था कि एक्स की हाईएस्ट पावर, तो एक्स की हाईएस्ट पावर जो है इसमें, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है। सेकंड में वेरिएबल वाई है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसमें डिग्री 2 है। थर्ड में वेरिएबल टी है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, तो इसकी डिग्री 1 है। पहले वाले पार्ट की डिग्री 3 है, मैंने डिग्री डिफाइन किया था, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं, तो एक्स की पावर 2 है तो डिग्री 2 है। सेकंड में वेरिएबल वाई है, उसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 है। थर्ड में जो है वेरिएबल जो है केवल उसमें एक ही टर्म है उसकी, तो उसकी जो है हाईएस्ट पावर 1 है। और जो फोर्थ पार्ट है ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो इस कॉन्स्टेंट वेरिएबल की जो डिग्री हमेशा जो है क्या होती है, 0 होती है, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फ्लोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो मैंने बताया था जिसमें जो है डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक होगा। देखिए इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो इसकी डिग्री 3 है, एक्स माइनस एक्स क्यूब में एक्स की पावर 3 जो है डिग्री है, तो 3 डिग्री है, तो ये क्यूबिक होगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री इसकी 2 होगी, और डिग्री 2 होने पर इसको नाम दिया जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। फोर्थ पार्ट देखिए 1 प्लस एक्स, इसमें जो है 1 प्लस एक्स में जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 है तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसका नाम हम देंगे लीनियर पॉलीनोमियल। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है, उसमें वेरिएबल टी है और उसके हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये इसको भी नाम देंगे, हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी, तो इसका नाम भी लीनियर पॉलीनोमियल होगा। सिक्स पार्ट में जो वेरिएबल है वो आर है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी, और तो इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसका लास्ट पार्ट है 7x की पावर 3 है, तो 7x पावर 3 है, अगर ये x पावर 3 है तो इसमें जो है इसकी जो है हाईएस्ट पावर 3 है,
तो इसकी जो है डिग्री 3 हो जाएगी और इसका नाम होगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो स्टूडेंट मुझे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट लिखिए, मैं आपके लिए इसी तरह से अन्य वीडियो भी भेजता रहूँगा। और आपको अगर कुछ और किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरा जो है इसमें एक्सरसाइज 2.2 भी मैंने वीडियो इसमें डाल चुका हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। बस आप मैं इसको जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये कोर्स बहुत जल्दी कर दूँगा। और आप जो है अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही हो तो आप जूम करके वीडियो को देखिएगा। और इसी तरह से जो है मैं आपको अन्य वीडियो भी बनाते रहूँगा। धन्यवाद।